हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज आप लोगों के लिए पूरनपुर रेलवे स्टेशन से एक छोटा सा अपडेट लेकर आए हैं। वो जानकारी जो अभी तक हमने आप लोगों को नहीं दी, दिखाई नहीं थी, जानकारी तो दे दी थी। तो अब यहाँ से नज़र डालिएगा, देख सकते हैं ये जो फुट ओवर ब्रिज है वो पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिया गया है, ख़ास तौर से कॉलोनी वासियों के लिए भी। मैलाने की दिशा में ये रोड जा रहा है, सामने देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा पूरनपुर रेलवे स्टेशन का। बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन एक तरह से बन गया है, काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में। 3 प्लेटफॉर्म हो गए हैं, 4-5 ट्रैक हो गए हैं, मालगोदाम अलग बनाया गया है। इसके अलावा जो फुट ओवर ब्रिज है वो भी काफ़ी लंबा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को अभी तक नहीं दिखाया था, जो टीन शेड है यहाँ पर वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर पूरी तरह से कम्प्लीट कर लिए गए हैं। ये सामने पीलीभीत की दिशा है। पूरनपुर रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को जुनैद भाई ने बनाकर भेजा है। जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही की वजह से हम ज़्यादातर पूरनपुर रेलवे स्टेशन से अपडेट दे पाते हैं। तो सामने देख सकते हैं बैलास वाली मालगाड़ी खड़ी हुई है मेन लाइन पर, पूरी तरह से भरी हुई है, और आगे कुछ जो डिब्बे हैं वैगन के वो खाली भी हैं। तो कुछ कमी रह गई है अभी बैलास की, पूरनपुर से सागर के बीच में, तो वहाँ पर बैलास डालने के लिए ये मालगाड़ी जा रही है, तैयार है एकदम। तो यहाँ से देखिएगा, जूम करके हम मैलानी की दिशा में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगे ये पूरनपुर रेलवे स्टेशन है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी तक मैंने आप लोगों को काफ़ी समय से फुट ओवर ब्रिज से दिन का अपडेट नहीं दिया था, रात के समय में तो दिया था, लेकिन अब दिन के समय में आप लोगों को मैं फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से भी वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामने देख सकते हैं, ये देखिए, तो बाहर जाने का रास्ता है, मतलब यहाँ जो साइन बोर्ड लगने हैं पथ प्रदर्शक, चाहे वो स्टेशन मास्टर के लिए हो, कंट्रोल पैनल रूम के लिए हो, OFC रूम के लिए हो, वो सब लगाए जाने बाकी हैं। कुछ यहाँ पर ये देखिए लगा लिए गए हैं, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 निकास एग्ज़िट, तो ये अभी कई जगह पे लगाए जाने बाकी हैं, और जब कभी ये लग जाएंगे तो उनको भी हम आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मालगाड़ी डिपार्ट कर दी है पीलीभीत की दिशा में, यानी कि सागर की तरफ रवाना हो रही है ये मालगाड़ी। तो अब तक पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर 15 से ज़्यादा मालगाड़ी आ चुकी हैं, और जब यहाँ पर 8वीं 9वीं मालगाड़ी आई थी तब मैंने कहा था कि संभवतः 8वीं मालगाड़ी है, लेकिन उसके बाद से भी 6-7 मालगाड़ियाँ आ चुकी हैं। सागर की दिशा में जा रही है मालगाड़ी, कैलाश की तरफ जा रही है यहाँ पर। तो पहली बार हम आप लोगों को फुट ओवर ब्रिज से एक अच्छा सा नज़ारा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे अपडेट लगभग दे दिए हैं हमने, खाली सिग्नल जलते हुए अभी तक नहीं दिखाया है, उसका व्यू भी हम आप लोगों को दिखा देंगे। जुनैद भाई का कहना है कि यहाँ पर सिग्नल कभी जलते हैं तो कभी बुझ जाते हैं, कभी जलते हैं तो बुझ जाते हैं, तो एक तरह से टेस्टिंग चल रही है, लेकिन जो लगातार कंटिन्यूसली जलने चाहिए सिग्नल को, वो अभी नहीं जल रहे हैं। तो एक खूबसूरत दृश्य आप लोगों को दिखा रहे हैं फुट ओवर ब्रिज से मालगाड़ी का, सागर की दिशा में जाते हुए और मैलानी से सागर के बीच में, जैसा कि मैंने आप लोगों को हाल ही के वीडियो में बताया भी था। तो जब तक मैलानी से सागर के बीच में डीजल लोको द्वारा स्पीड ट्रायल नहीं कराया जाएगा, तब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि CRS स्पीड ट्रायल नहीं होने वाला, और जितना ही देरी डीजल लोको ट्रायल में लगेगी आप उतना ही लेट समझ सकते हैं कि CRS स्पीड ट्रायल में भी लगेगा। तो देखना दिलचस्प होगा क्या इस महीने मैलानी से सागर के बीच में डीजल लोको द्वारा स्पीड ट्रायल होता है या नहीं होता है। अगर हो जाता है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द CRS स्पीड ट्रायल भी मैलानी से सागर के बीच में हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दें तो देखिए मालगाड़ी कितनी बार सागर की दिशा में जा चुकी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रैक में बार बार कमी आ रही है, जहाँ पर बैलास की कमी हो रही है, तो इसी वजह से शायद बैलास वाली मालगाड़ी बार बार भेजी जा रही है। तो फाइनली कुछ ना कुछ कमी है, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इसमें समय और भी लगने वाला है, ख़ास तौर से सिग्नल के काम में अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये दिन में जलते हैं फिर बुझ जाते हैं, फिर जलते हैं फिर बुझ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, अगर कमी नहीं होती तो अब तक की सिग्नल जलना शुरू हो जाते और जो डी लोको द्वारा स्पीड ट्रायल है वो भी करा लिया जाता, और ये जो बार बार बैलास वाली मालगाड़ी है सागर की दिशा में जा रही है तो ये भी बार बार नहीं आती। अगर इस महीने भी डीजल लोको द्वारा स्पीड ट्रायल मैलानी से सागर के बीच में करा लिया जाता है तो किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा। खैर, यह आने वाला वक्त ही बताएगा क्या से क्या होगा, ये मेरा अपना अनुमान है,
जिस तरह से यहाँ पर बार बार मालगाड़ी आ रही है, सिग्नल का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके जो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।